नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, तो वहीं पूरे बिहार के साथ राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी पटना में ठंड ने अपना 58 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार की रात तापमान 4.3 डिग्री मापा गया, तो रविवार को भी ठंड का सितम जारी रहा। पारा 5 डिग्री पर बना रहा। ठंड के साथ कोहरे की भी मार पड़ी है। एयरपोर्ट पर आवागमन प्रभावित हुआ, तो दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने पर आमादा है ठंड। पटना में ठंड का 58 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 28 दिसंबर को दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पटना में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने पर आमादा है। 58 साल बाद ऐसी सर्द रात पटना में महसूस की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों को ही आधार माने तो 1961 के बाद पटना का पारा 4.8 डिग्री तक कभी नहीं पहुंचा। पटना में 58 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। ठंड के मामले में न्यूनतम तापमान पटना का 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं, दिन के वक्त भी लोग ठंड की चपेट में हैं, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 3 तारीख तक यानी 3 जनवरी तक इसी तरह के ठंड जो हैं वो महसूस किए जा सकेंगे, क्योंकि यहां पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, खासकर रेल सेवा पर बुरा असर हुआ है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं या लेट चल रही हैं। पटना की कई अहम ट्रेन लेट चल रही हैं। संपूर्ण क्रांति 140 मिनट लेट पहुंची। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो 8 घंटे 30 मिनट लेट रही। विक्रमशिला एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट पहुंची। गरीब रथ 7.5 घंटे लेट पहुंची। ठंड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है, लेकिन आम लोग भी इस ठंड में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण इलाके में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कहाँ से लाया? दुकान में से। लकड़ी ना जल रहा है? लकड़ी मिल ही नहीं रहा है तो। हाँ बाबू, ठंडा के कारण खूब तो जलाने ना है। का है तो, नगर से नहीं जल रहा है? नगर से तो खूब लकड़ी जल रहा है, है? कमी है, देख ना रहे हैं, खूब लोग ताप रहे हैं ठंडा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया जा चुका है। अभी जिला प्रशासन के द्वारा पूरे पटना जिले में लगभग 120 जगह पर अलाव जलाया जा रहा है और पटना शहर में भी लगभग 50 जगह पर जलाया जा रहा है। जहां कहीं भी लोग अस्थायी रूप से आवासित हैं, खास करके रिक्शा पड़ाव पर, मेट्रो पड़ाव पर, बस पड़ाव पर और जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, वहां पर संध्याकाल में अलाव को जलाया जा रहा है। फिलहाल तो लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी 2-3 दिन में तापमान और नीचे गिरेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग की तरफ से रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट का मतलब यह है कि बिहार के सभी जिलों में भीषण ठंड पड़ने वाली है। बिहार के सभी जिलों में पारा 10 के नीचे पहुंच गया है और भीषण ठंड में अभी तक प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। कहीं कहीं लोग जैसे तैसे जुगाड़ करके अलाव जला रहे हैं ताकि ठंड से राहत मिले। ठंड के कहर से कांपा बिहार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अलाव की व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इतना ज्यादा कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा लुढ़का हुआ है। सबसे बुरा हाल गया का है। यहां तो पारा 4 के भी नीचे जा चुका है। जिले में अभी तक ठंड से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अलाव के बिना जिंदगी कट नहीं रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक चौक चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ताप रहे हैं सर, आग सेक रहे हैं, कट्टे जला रहे हैं भैया, आग पे बैठे हुए। सर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो अलाव डलवा नहीं रही है। सर गवर्नमेंट को लगवाना चाहिए ठंड में।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और लोग थरथरा रहे हैं। प्रशासन से यहाँ कोई निजात नहीं मिला है और ना ही कोई लकड़ी का व्यवस्था मिला है। लखीसराय में पारा लुढ़क कर 5 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लोग घरों में दुबके हैं। फारबिसगंज में भी पारा 6 के नीचे है। ठंड के कहर से लोग कांप रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आज सुबह 6 बजे यहां पर तापमान 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। प्रशासन की तरफ से अलाव की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, ना ही अभी तक कंबल का वितरण किया गया है। जो यहां पर अलाव की व्यवस्था है, लोग खुद से यहां पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। कई जगहों पर लकड़ी से अलाव की व्यवस्था कर ठंड दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगह कागजों का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी चौक चौराहे पर अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। बक्सर में भी कमोबेश वही हाल है। भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। लोग कूड़ा जलाकर ठंड से बच रहे हैं। महोदय से या जिलाधिकारी, जितने भी अधिकारी महोदय हैं, यहाँ पर ठंड की कोई व्यवस्था नाम का चीज नहीं। हम लोग कागज पत्र जलाकर अपना ठंड का थोड़ा सा अपना ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, बड़ी काफ़ी ठंड है। जिला अधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं कि चौक चौराहे पर अपना लकड़ी गुटका जो भी है अपना व्यवस्था करें। सभी जिलों में पारा 10 के नीचे पहुंचा हुआ है और इस ठंड में सबसे ज्यादा सड़क किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्री भी मुश्किलों का सामना करते हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। नींद खुलेगी तभी तो अलाव की व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है और इस भीषण ठंड में भी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जी हां, अलाव और कंबल वितरण के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अलाव की व्यवस्था कई जिलों में अभी तक मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि कहीं अलाव और कंबल के नाम पर गड़बड़ी तो नहीं हुई है। भीषण ठंड में अलाव की व्यवस्था पर सवाल। गरीबों में कंबल का भी नहीं हुआ वितरण। विपक्ष ने अलाव के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 58 साल बाद बिहार में ऐसी ठंड पड़ी है और इस ठंड ने फुटपाथ पर रहने वालों की जिंदगी नरक बना दी है। अलाव की व्यवस्था जमीन पर न होकर कागजों पर टिकी है, तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी। हालांकि सरकार का दावा है कि अलाव की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के तहत जो भी संबद्ध पक्ष हैं उनको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो अलाव की व्यवस्था करें, उनको कोई परेशानी आम नागरिकों को नहीं हो। और इस दिशा में पॉइंट भी तय किया गया कि हाँ, यहाँ पर अलाव जलाया जाएगा। अब इस संबंध में अगर कोई भी अद्यतन सूचना मिलेगी तो सरकार उसको ग्रहण करेगी और तत्संबंधी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। स्वयं अपने पदाधिकारियों को सड़कों पर रात को जरूर भेजें, जिन जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था है, खास करके वहीं पर व्यवस्था की जाती है जहां आम जनता जुटती हो, खास करके बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, टमटम पड़ाव हो गया, तो वहां पे खुद जा करके पदाधिकारियों को क्षेत्र बांट दें और अपने अपने क्षेत्र में सब लोग देखें कि वहां पे अलाव जल रहा हो। अब जरा ठंड से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 27 दिसंबर तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पटना में 117 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। ठंड में अब तक 28,827 किलो लकड़ियां अलाव के रूप में जलाई जा चुकी हैं। विभाग की ओर से अलाव के लिए पटना जिले को 2 लाख रुपए ही आवंटित किए गए हैं। इसमें से जिला प्रशासन ने 2,42,000 रुपए के अलाव जला भी लिए हैं, जबकि कंबल वितरण की कोई जानकारी विभाग को नहीं है। जिला प्रशासन ने शीतलहर की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 25,115 अनुमानित की है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अलाव की आवश्यकता है। ये आंकड़े चौंका रहे हैं कि ग्राउंड पर इसकी हकीकत नजर नहीं आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, और हर एक जगह घोटाला हो रहा है, कहीं नहीं पटना ही नहीं,
पूरे राज्य के कोई भी चौक चौराहे पे कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है और राज्य सरकार केवल अपना पीठ थपथपाने में लगी है। ये सरकार के लिए ये सब प्रबंध बहुत छोटी चीज होती है, गरीबों के लिए प्रबंध हो रहा है, अमीरों के लिए तो हो नहीं रहा है। तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम जो है और सरकार जो है गरीबों के लिए होती है तो करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब देखो कंबल भी नहीं खरीद सकता है। पटना का हाल क्या है देख लिया, जरा पूरे सूबे पर भी नजर डाल लीजिए। पूरे बिहार में अब तक 1154 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। 98,529 टन लकड़ियां अलाव के रूप में जलाई जा चुकी हैं। विभाग की ओर से अलाव के लिए 49 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि 57,62,000 रुपए जिला प्रशासन ने खर्च किए हैं। सिर्फ मधुबनी जिले में 50 कंबल बांटे गए हैं, दूसरे जिलों में कंबल वितरण की शुरुआत तक नहीं की गई है। ये हाल है बिहार का। आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। रांची में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। इस शपथ समारोह में विपक्ष के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा और इस जमावड़े की तपिश बिहार में भी महसूस की जा रही है। दरअसल जो लोग शपथ ग्रहण में शामिल हुए उन्हें लेकर जेडीयू ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसी बहाने कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया। जेडीयू के इस हमले के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है और नीतीश सरकार के योगदान पर सवाल पूछा है। रांची में जमावड़ा और पटना में सियासी गर्मी, विरोधियों के जुटान पर जेडीयू का हमला, कांग्रेस और आरजेडी पर जेडीयू का निशाना। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए विरोधी तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन इन नेताओं के एक साथ आने की तपिश पटना में महसूस की गई। जेडीयू ने इस जुटान को दागी और भ्रष्टाचारियों का जुटान करार दिया है। विपक्षी एकता के नाम पर कैसे लोगों का जमावड़ा होगा? क्या भ्रष्टाचारी, दागी, टेंटेड जितना है, जितना समाज के अंदर उन्माद पैदा करने वाले लोग या राजनीति में संपत्ति सृजन के घिनौने आरोप से आरोपित लोग भी अगर मंच की शोभा बढ़ाएंगे तो लोकतंत्र की आत्मा करा उठेगी। जेडीयू ने भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना क्या साधा? जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया। कांग्रेस ने सीधे सीएम नीतीश को चुनौती दी तो आरजेडी ने बिहार के 38 घोटालों का जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री को हम चैलेंज करते हैं तो नीरज जी हैं, उनके मुख्यमंत्री को हम चैलेंज करते हैं कि पिछला 15 साल और आज के 15 साल मुख्यमंत्री पढ़ दे कि पहले अपराध की हत्या कितना हुई, आज कितना 15 साल में हुआ, बलात्कार पहले कितना हुआ, आज बलात्कार कितना हुआ, भ्रष्टाचार पहले कितना हुआ, अब भ्रष्टाचार कितना हुआ है। उनको बोलने का हक है, सीएम तो बोल ही नहीं सकते, नीरज जी का क्या क्षमता है बोलने का? जदयू के लोग, जदयू के प्रवक्ता इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में लगी हुई है। भ्रष्टाचार की बात करते, जहां भ्रष्टाचार के 38 अंक निर्धारित किए गए हैं बिहार, 38 भ्रष्टाचार हुए हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। दरअसल झारखंड में जो जीत महागठबंधन को मिली है उसकी तपिश बिहार में भी देखने को मिल रही है। जानकार से लेकर विरोधी तक महसूस कर रहे हैं कि इसका असर बिहार के आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा। लिहाजा इस संभावना को देखते हुए अभी से ही राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू ने भ्रष्टाचार के बहाने जो हमला बोला है वो उसी कड़ी का हिस्सा है और आने वाले वक्त में ऐसे हमले खूब होंगे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। गया में एनआरसी और सीएए के समर्थन में जुलूस निकाला गया। जुलूस में करीब 5,000 की तादाद में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। शेरघाटी शहर के अमरदीप क्लब से लेकर प्रखंड कार्यालय तक जुलूस निकाला गया है। इधर किशनगंज के रुई धासा मैदान में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की। एआईएमआईएम ने संविधान बचाओ देश बचाओ रैली की। हजारों की तादाद में समर्थक अपने नेता को सुनने आए।
आरा में भी CAA और NRC के समर्थन में जुलूस निकाला गया। इसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। जुलूस में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। जुलूस में शामिल लोगों ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तो एक तरफ विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब CAA और NRC के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरा की ये तस्वीरें, CAA के समर्थन में और NRC के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे हैं। अभी हमारी सरकार ने मात्र संशोधन यही किया है कि 2014 तक जो भी भारत नागरिक, जो चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते और अपन दमन की नीति के चलते जो हमारे देश में शरण लिए हैं, वो 2014 तक जो आ गए हैं उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। CAA और NRC के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला तेज कर दिया है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो डिप्टी CM सुशील मोदी ने RJD को घेरा। देश में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनेगा और देश के नागरिक को आई कार्ड दिया जाएगा। यह कानून कब से लागू किया गया? 3 दिसंबर 2004 से। 3 दिसंबर 2004 को किसकी सरकार थी, याद है ना? गिना मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी अप्रैल मई में चुनाव हार के अलग हो गए। कानून को लागू किया मनमोहन की सरकार ने, मनमोहन जी सिंह जी की सरकार ने, और उनके पीछे कौन खड़े थे? लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, शरद पवार जी, पत्र आरके सिंह जो आज हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उस समय होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने पत्र लिखा है बिहार के चीफ से, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार को, और वो लिखते हैं कि मुख्य सचिवों की जो 30 सितंबर 2011 को जो सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूरे देश में जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो मित्रों, ये जनसंख्या रजिस्टर बनाने का निर्णय तो लालू जी आपके राज में हुआ, आपके समर्थन वाली केंद्र की सरकार के कार्यकाल में हुआ। AIMIM की तरफ से किशनगंज में CAA और NRC के विरोध में रैली का आयोजन हुआ। इस रैली को संबोधित करने के लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। संविधान बचाओ देश बचाओ रैली में ओवैसी ने CAA के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म कर रही है और देश बांटने की साजिश रच रही है। राजगीर में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले प्रकाश पर्व के आखिरी दिन CM नीतीश कुमार गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान CM ने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और बिहार की ओर से उनका अभिनंदन किया।
सीएम ने कहा कि ये गौरव की बात है कि राजगीर के गुरु नानक कुंड में भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने उम्मीद जताई कि इस गुरुद्वारे का निर्माण होने से राजगीर में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। प्रकाश पर्व के समापन पर पहुंचे सीएम को गुरु नानक निष्काम सेवा समिति के बाबा महिंदर सिंह ने शॉल और तस्वीर भेंट की। प्रकाश पर्व के आखिरी दिन करीब 50,000 श्रद्धालु राजगीर में मौजूद रहे। प्रकाश पर्व मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। दो दिन पूर्व से पूरे तौर पर पर्व का काम चल रहा है, पर्व मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं राजगीर में। सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं का, आप सब लोगों का, मैं अपनी तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के तमाम लोगों की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। इकतीस दिसंबर से पटना में गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाश उत्सव को मनाया जाएगा। 2 जनवरी तक मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का जत्था पटना पहुंचने लगा है। इन श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए कंगन घाट पर बिहार सरकार की तरफ से आधुनिक टेंट सिटी बनवाए गए हैं। टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वान दस्ते को लगाया गया है। साथ ही इसकी निगरानी खुद डीएम और एसएसपी कर रहे हैं। टेंट सिटी का जायजा लेने के लिए पटना के डीएम खुद टेंट सिटी में पहुंचे। टेंट सिटी यहाँ लगाया गया कंगन घाट पे, जो 5,000 रहने की कैपेसिटी है और ये इस पर काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा चुकी है और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन के द्वारा की गई हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जो भी पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको श्रद्धा के भाव से उनको रिसीव करें, उनके लिए सेवा करें, यही निर्देश दिए। लखीसराय में नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के चानन इलाके के वासकुंड और गोवर्धा कोडासी में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोनों की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने की। इस वारदात के बाद इलाके के आदिवासी दहशत में हैं। जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें संजय कोड़ा मूल रूप से जमुई के रहने वाले थे, पिछले 5-7 साल से अपने ससुराल गोवर्धा में रह रहा था, जबकि मोगल कोड़ा वासकुंड कोड़ासी में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों की हत्या करने के बाद मौके पर नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका और धमकी दी कि जो लोग पुलिस मुखबिरी का काम करेंगे उनके साथ ऐसा ही अंजाम होगा। उधर नक्सलियों की तरफ से की गई वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची। नक्सलियों को पकड़ने के लिए छानबीन की जा रही है, इलाके को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिग बी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद उन्होंने देश की जनता और समारोह में मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया। हालांकि बिग बी ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा पुरस्कार रिटायरमेंट की निशानी नहीं है, अभी काम करता रहूंगा। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा,
यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।